अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय श्री नीरज डांगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का आपने अवसर प्रदान किया है। इसमें कहना चाहूंगा कि सरकार ने अनुसूचित जाति आदेश के माध्यम से वाल्मीकि समाज को एवं अनुसूचित जनजाति आदेश के माध्यम से इस संशोधन बिल में पहाड़ी जातियों को और कोली समुदाय को सम्मिलित करने की बात कही है, लेकिन सरकार देश भर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या कर रही है, ये किसी से छिपावा नहीं है। क्या जो प्रावधान किए गए हैं और जो सुविधाएं आरक्षण में उन्हें मिलनी चाहिए उसे पूरा करने का कार्य सरकार कर रही है, इस पर भी गौर करने की आवश्यकता है। मैं कहना चाहूंगा कि जो इन अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लोगों के लिए जो उत्थान की बात हम करते हैं और विशेष रूप से जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, क्या वो लक्ष्य पूर्ण किए जा रहे हैं, और क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इन बिलों के माध्यम से SC ST के अंदर किसी प्रकार का कोई विशेष पैकेज या कोई विशेष परियोजनाएं लाई गई हैं जिससे उनके जीवन यापन का स्तर ऊपर बढ़ सके। मैं इस मामले में कुछ 6 मुद्दों पर बात करना चाहूंगा और मैं समझता हूं कि सरकार को इन 6 मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने शायद चुनाव हारने के डर से वहां असेंबली के चुनावों को नहीं कराने का निर्णय लिया है। तो सबसे पहले तो जो जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें हैं चुनाव से वो पूर्ण होनी चाहिए, वहां जल्द से जल्द चुनाव की घोषणा होनी चाहिए, अन्यथा इस वक्त सिर्फ LG के माध्यम से ही वहां पर जो है शासन चल रहा है, वो सिर्फ नौकरशाहों के अधीन है। यह मॉडल जो है वो अंग्रेजों के जमाने का मॉडल है जिसे कांग्रेस ने नकारा था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने उसको अख्तियार कर लिया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आज आप देख रहे हैं कि लद्दाख में लोग सड़कों पर उतर गए हैं, सरकार के विरोध के अंदर जिस प्रकार से जो है वहां पर लोगों ने सड़कों पर उतर करके सरकार का विरोध किया है, उनकी मांग है कि उन्हें 6ठी अनुसूची में सम्मिलित किया जाए, और ऐसी परिस्थितियां वहां पर है कि -15 डिग्री टेम्परेचर लेह लद्दाख के अंदर कड़ाके की ठंड है, उस ठंड के अंदर भी वो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर उतर करके, और उनकी मांग है कि जो जल जंगल और जमीन की बात उन्होंने जो कही है उसमें उनका ये कहना है कि ये सरकार इन्हें पूंजीपतियों को बेचने पर उतारू है, ये इस बात का परिचायक है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से वादा किया था कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में डालने के बाद भी पूरा उनका ध्यान रखा जाएगा, और समृद्धि के इन वादों के बावजूद भी पिछले 5 वर्षों में मात्र 211 करोड़ जो है रुपए वहां निवेश किए गए हैं, ये उनके राजनीतिक अधिकारों की या स्वायत्तता की जो है बलि है या राजनीतिक उपयोग है। मैं चौथी बात कहना चाहूंगा, धारा 370 अनुच्छेद हटाने के वक्त गृह मंत्री जी ने सदन में क्या कहा है किसी से छिपावा नहीं है, लेकिन यह कहा गया था कि धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से आतंकवाद मुक्त होगा, लेकिन आज भी आतंकवाद की अनगिनत घटनाएं पिछले 5 सालों में वहां घटी हैं जिसका आंकड़ा सामने है। 579 आतंकवादी घटनाएं वहां पर अभी घटित हुई हैं जिसमें परिणाम स्वरूप 247 सुरक्षा बल के जवान मारे गए हैं, 230 आतंकवादी और 157 नागरिक मारे गए हैं, और 2014-18 के बीच की अगर तुलना की जाती है तो मृतकों की और ऐसी घटनाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि होती चली गई है, इसे देखने की जरूरत है। बोलने दो भाई,
लास्ट में बोल देना मंत्री महोदय, लास्ट में बोल देना। बैठिए आप बैठिए, उनको यदि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आप बैठिए आप, तो क्यों इस तरह की घटनाएं जो है निरंतर बढ़ती जा रही हैं? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं? मैंने अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के अंदर एक दौरा किया था, क्यों हमको सिक्योरिटी दी जा रही है? अगर सब कुछ ठीक है तो वो सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है? वहां आम नागरिक सुरक्षित नहीं है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। मेरा पांचवा जो पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण, क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा जो है स्टेटहुड कब उन्हें दिया जाएगा ये तय किया जाए, उसके लिए सरकार एक डेट मुकर्रर कर दे और बताए कि कब होगा चुनाव, और वो चुनाव जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में होगा या स्टेट की कैटेगरी में होगा, ये भी आप सुनिश्चित करें, इसको क्लियर करने की आवश्यकता है। मैं इन छह मुद्दों के साथ जो छठा मुद्दा है, आज अगर हम बात करें महिलाओं के खिलाफ अपराधों की, तो 21% की वृद्धि वहां महिलाओं के खिलाफ अपराधों में हुई है, इस पर भी सरकार को बात करनी चाहिए। सिर्फ अमेंडमेंट करने से जो है एससी एसटी के अधिकारों की पूर्ति नहीं होगी, आज भी छुआछूत कितना है, मंदिरों में जाने का प्रवेश नहीं है, किस प्रकार के हालात पूरे देश में जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं ये किसी से छिपी हुई नहीं है। मैं कहना चाहूंगा इतनी है, अगर मानसिकता है अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के उत्थान की के प्रति सरकार की, तो क्यों नहीं इन्होंने इस प्रकार का काम किया। यहां हम इस भवन में इस सदन में बैठ करके अनुसूचित जाति की और जनजाति के उत्थान की बात कर रहे हैं, इसी भवन के अंदर हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया को इनविटेशन भी नहीं मिला था, भूलो मत उस बात को, आप लोग आइए पुनः उस पे। इतना ही नहीं, राम मंदिर का मुद्दा उठाया आपने, क्यों नहीं इनविटेशन दिया आपने अनुसूचित जनजाति की उस महिला हमारी जो राष्ट्रपति है उनको, क्यों नहीं बुलाया आपने? आपकी मानसिकता इस बात से दर्शाती है कि आप लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के विरोधी हैं। आप एक एक मिनट मंत्री महोदय, आप रिप्लाई में दे देना, लास्ट में मंत्री का जो रिप्लाई होता है वो देना चाहते हैं ये। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा है, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, आज भी एससी एसटी के लोगों के हालात क्या है, क्या मैनुअल स्कैवेंजिंग को आप खत्म कर पाए? मैनुअल स्कैवेंजिंग का मामला आज भी जिंदा है, और आप बात करते हैं वाल्मीकि समाज को मुख्य धारा में लाने की। यहाँ इनके साथ में कुठाराघात जरूर हो सकता है, इनके प्रति संवेदनाएं कभी नहीं आ सकती हैं, इनके लिए इनको न्याय नहीं दिला सकती है सरकार। अत्याचार बढ़ रहे हैं एससी एसटी पर, उनको रोकने का काम आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। अभी यूजीसी का पहला ही, आप बार बार खड़े होकर के आप ही बोल लीजिए, मैं बैठ जाता हूँ सर, बार बार खड़े होने का क्या मतलब है? इनको जवाब देना है तो वो बात में देना है। One second. Let the house calm down. Mr. Neeraj Dangi represents the state of Rajasthan, though there are several members of parliament from Rajasthan, but he is the only one belonging to Rajasthan. Sir, in the both so, the houses, in fact, both so, belonging so, to the... For Congress, I am the only. No. For both the houses. No. You are the only Congress representative belonging to Rajasthan. Definitely, here. Sir. Others, we have Dr. Manmohan Singh Ji. One second. We have Dr. Manmohan Singh Ji. We have K.C. Venugopal Ji. We have Randeep Surjewala Ji. Ji, sir. We have Pramod Tiwari Ji. We have Mukul Vasnik Ji. Therefore, I can understand your compulsion, but to be forceful, you don't have to raise the decibel. सर अगर आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे तो सर आवाज को उठाना भी पड़ेगा। पुट योर प्रीपोजिशन राइट सर। वो अभी मैं चर्चा कर रहा था कि जिस जी सर कहावत तो पता ही ना आपको जी सर, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। डेफिनेटली सर। तो मैं कहना चाहूंगा कि सर आपकी इजाजत हो तो मैं बोलूंगा सर। जी सर, अभी हम जब बात कर रहे थे कि किस प्रकार से अत्याचार
अनुसूचित जाति जनजाति पे होते हैं उस पर उसकी अनदेखी हो रही है। न्याय दिलाना नहीं चाहते, न्याय दिलाना होता तो अभी ज्वलंत उदाहरण में बताना चाहूंगा। अभी यूजीसी का जो ड्राफ्ट गाइडलाइन आई थी, अगर उस पर विरोध नहीं किया होता तो उस ड्राफ्ट गाइडलाइन के अंदर डी रिजर्वेशन की बात चल रही है। धीरे धीरे आरक्षण को किस प्रकार से खत्म किया जाए इस पर जो है व्यवस्था चल रही है। SC ST के जब कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं ना, तो जनरल कैटेगरी से उन भर्तियों को जो है पूर्ण कर लिया जाता है। ये आप बताएं कि क्यों ऐसा हुआ, ये चुपके चुपके की भी कार्रवाई जो है हमारे समझ के बाहर है। और बात करें तो अगर हम लोग बात करें आदिवासी और दलित समाज की, तो भाजपा सरकार में हर 2 घंटे के अंदर 5 ऐसी घटनाएं होती हैं जो समाज के लोगों के खिलाफ अपराध की बात आती है। अगर हम NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में बात करूंगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, जहां अनुसूचित समुदाय के खिलाफ अपराध की जब बात करते हैं 2014 से लेकर के 2022 के बीच में 40,401 से बढ़कर ऐसी घटनाएं 57,582 हो गई हैं, जो 42% की वृद्धि है। और ऐसे ही ST समुदाय में 2014 से लेकर आज तक यह वृद्धि 47% हुई है, जो 6,827 से बढ़कर के 10,064 हो गई है। इसका जवाब देने की आवश्यकता है। हम किस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं ये खुद आप देख लीजिए। जब हम बात करते हैं, अगर वास्तविकता है तो जातीय जनगणना होनी चाहिए। SC ST को क्या मिलना चाहिए, कितना प्रतिशत मिलना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जैसा भी सभापति महोदय ने कहा। मैं कहना चाहूंगा कि इस पर कोई पॉलिसी बननी चाहिए, और डेटा नहीं होगा तो हम किस प्रकार की पॉलिसीज इन लोगों के लिए बनाएंगे ये सोचने की आवश्यकता है। यहाँ रिजर्व्ड कैटेगरी को पॉपुलेशन के हिसाब से, चाहे वो नौकरियां हो, मंत्रालयों में ब्यूरोक्रेट्स हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो या कॉरपोरेट घराने हो, सभी जगहों के ऊपर जब डेटा होगा सामने, तो मैं समझता हूँ कि उनकी भागीदारी प्रतिशत के हिसाब से सही मायने में सुनिश्चित हो सकेगी। हम 2011 का जो जनगणना का आंकड़ा है वो एक मूल्यवान स्नैपशॉट जरूर प्रदान करता है, लेकिन यह डेटा उपयोग में सामाजिक न्याय पर प्रगति को ट्रैक करने का हो सकता है, या इन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए हो सकता है कि किस प्रकार से इनकी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए। जातीय जनगणना के बिना प्रभावी सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण कार्यक्रमों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण डेटा वो गायब है। मैं कहना चाहूँगा कि इसे आवश्यकता पूर्वक हमें काम मिल अमली जामा पहनाना चाहिए। हम अगर बात करें जम्मू कश्मीर में इस बिल की, तो निश्चित रूप से हम बात करेंगे रोजगार की, नौकरियों की भी। आज केंद्र सरकार में लगभग 10 लाख रिक्तियां हैं, 10 लाख, और अगर हम संपूर्ण विभागों की बात करें, चाहे सरकारी विभाग हो, बैंक हो, सार्वजनिक उपक्रम हो, सशस्त्र बल हो, शिक्षण संस्थाएं हो या स्वास्थ्य संस्थाएं हो, इन तमाम विभागों का, संस्थाओं का डेटा हम उठा करके देखेंगे तो ये रिक्तियां 30 लाख तक होती हैं। और जब बात करते हैं रिजर्वेशन की 50% की, तो ये रिक्तियां 15 लाख होती हैं। इन 15 लाख रिक्तियों को भरने की कार्रवाई अगर सरकार नहीं कर रही है, तो यही सरकार 2 करोड़ नौकरियों की जब बात कर रहे थे, जो वादा खिलाफी करी है, वो 2 करोड़ नौकरियां क्या देंगी, ये देश देख रहा है, ये किसी से छिपे हुए नहीं है। मैं इस मौके पे कहना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो है, सर अभी मैंने तो I was allocated with 17 minutes. ये तो बात है ना? सर? आप टाइम को भी मोनिटाइज नहीं कर रहे। सर, I was allocated with 17 minutes. Just now I started. नहीं, your time is over. Thank you. श्री जवाहर सरकार। सर, 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 time is over. No, no, no time. श्री जवाहर सरकार, nothing will go on record now. Okay. जवाहर सरकार जी। Yes. मैं सिर्फ 2 पंक्तियों के साथ में अपनी बात को समाप्त करूंगा कि लगा दो जाति का लेबल लहू की बोतल पर, लगा दो जाति का लेबल लहू की बोतल पर, देखते हैं कितने लोग रक्त लेने से मना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
सर थैंक यू जवाहर सरकार जी सर थैंक यू फॉर गिविंग मी द टाइम टू